लाइफ में सीरियस होना जरूरी है। सीरियसली मस्ती करो, सीरियसली एक्सप्लोर करो, सीरियसली ट्रैवल करो, सीरियसली व्लॉग बनाओ और सीरियसली दिखाओ। इंडिया में दार्जिलिंग की सैर करना एक बार तो बनता है। So I'm heading to Darjeeling, a beautiful holiday destination. Pelling to Darjeeling, 107 kilometers and should take about 4 hours. इस साल की ट्रैवल थोड़ी लंबी हो गई। सिक्किम के बाद वेस्ट बंगाल आ गई। It's 8 a.m. and I'm ready to proceed to Darjeeling. Lovely day. Wonderful cool breeze. And a lovely pleasant falling. Not so cold. I mean, don't go by my attire. April is one of the best months to visit Darjeeling. Peak season hai from March to June and from October to December. In the mountain areas, it goes round and round and then up and down and up and down. So I always prefer to sit in the front seat with the driver. So this doesn't make me feel giddy or you know feel pukey. Irada pakka ho to aap duniya mein kahin bhi pahunch sakte ho. दार्जिलिंग आप ट्रेन से आए तो न्यू जलपाईगुड़ी या सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन आ सकते हो, फिर बस या कैब कर लेना। इट टेक्स अबाउट 3 hours टू रीच दार्जिलिंग। अगर फ्लाइट लेनी हो तो बेगडोगरा इज द नियरेस्ट एयरपोर्ट, फिर वहां से टैक्सी कर लो। अरे बात करते करते रास्ते का पता ही नहीं चला, हम सिक्किम चेक पोस्ट पहुंच चुके हैं। इस चेक पोस्ट के बाद हम वेस्ट बंगाल एंटर करेंगे। मैडम कहाँ से आप? मैं तो महाराष्ट्र मुंबई। ठीक है ठीक है, सोलो ट्रैवल। सोलो ट्रैवलर। नाउ आई एम अप्रोचिंग द रमन ब्रिज। एक्साइटमेंट की बात है ना, दिस मोमेंट आई एम इन सिक्किम बट व्हेन आई क्रॉस दिस ब्रिज आई विल बी इन वेस्ट बंगाल। एक छोटा सा ब्रिज एड्रेस ही चेंज कर देता है। यहाँ से दार्जिलिंग 1-1.5 घंटे का सफर है। टूर के लिए ये कैब की पैकेज डील टोटल 5,000 में की है। ड्राइवर का खाना पीना इंक्लूड है। डील है पेलिंग में 2 दिन साइट सींग और दार्जिलिंग ड्रॉप। दार्जिलिंग के 3 दिन मैंने क्या क्या किया आगे बताऊंगी। पूरे सफर साथ बने रहें। दीज आर द टी गार्डन्स ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दार्जिलिंग। प्लांटेशन इज बिग बिजनेस इन दार्जिलिंग। इसकी शुरुआत ब्रिटिश राज में हुई थी व्हेन द ब्रिटिशर्स वर लुकिंग फॉर अल्टरनेट लोकेशंस अदर देन चाइना टू ग्रो टी। जब ब्रिटिश राज खत्म हुआ द प्लांटेशंस वर रेगुलेटेड बाय आर इंडियन गवर्नमेंट। आई स्टॉप एट अ लोकल टी गार्डन ऑन द वे। बगल में एक छोटी सी दुकान है चाय और मसालों की। चलिए टी वर्कर्स के साथ चाय पे चर्चा की जाए। हेलो, तो ये सारे लोग हैं जो ऑल दिस पीपल हिंदी में बोलो, ये सारे लोग हैं जो चाय की पत्ती को तोड़ते हैं, करेक्ट? और फिर उसको किधर देते हैं? किधर? फैक्ट्री में। कितने टाइम से ये काम कर रहे हो? 15 साल 20 साल। तो कैसा दिखता है पत्ता? दिस इज द टी लीफ दैट दे प्लक। यू नो व्हाई दार्जिलिंग टी हैज स्पेशल फ्लेवर एंड अरोमा? बिकॉज दे आर द हाईएस्ट एलिवेशन प्रोड्यूस्ड टीज इन द वर्ल्ड। इट इज द हाई एल्टीट्यूड दैट क्रिएट्स द बेस्ट एनवायरमेंट फॉर टी प्लांटेशन। द प्लकिंग प्रोसेस इज इंटरेस्टिंग। टॉप 2 लीव्स एंड द बड आर प्लक्ड एंड यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग द टी। These buds grow again about 4 times in a year. See these stems poking out? The leaves have been plucked from here.
ये कौला पत्ता दिख रहा है आपको? इट इज दिस लीफ दैट इज सेंट टू द फैक्ट्री। द टी वर्कर्स लिव इन स्मॉल क्लस्टर्स क्लोज टू द प्लांटेशन वेयर दे वर्क। ज्यादातर ये वर्कर्स नेपाल और सिक्किम से गुरखास और लेपचाज हैं। ये है दार्जिलिंग का मेन टाउन एरिया जहां मैं पहुंच चुकी हूं। रोड पर मशहूर टॉय ट्रेन के ट्रैक्स तो देखो। वी आर हेडिंग टू माय होटल विच इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द मेन मार्केट। ये मेन मार्केट एरिया है और कई होटल सामने दिखाई दे रहे हैं। दार्जिलिंग में हर बजट के होटल आपको मिलेंगे। दिस इज द हेरिटेज क्लॉक टावर ऑफ दार्जिलिंग, है ना शानदार। दार्जिलिंग टाउन हॉल और म्युनिसिपैलिटी इसी स्ट्रक्चर में है। आई हैव बुक माई स्टे फॉर 3 days एट समिट ग्रेस एट 6,500 पर डे एंड माई रूम हैज अ स्मॉल टेरेस अटैच टू इट। दार्जिलिंग इज सराउंडेड बाई कंचनजंगा माउंटेन्स, सो सिलेक्ट योर होटल विच गिव्स अ गुड व्यू। It's almost 6 in the evening. I'll just stroll and peep around a little. I'm wrapping up for the day. The main icon of Darjeeling is the toy train, which is a UNESCO World Heritage Site. So the first thing tomorrow is the joy ride. Hang on to see the breathtaking aura of Darjeeling. Good morning. Meri cab aati hi hogi. फॉगी डे है और आज की ट्रेन राइड जॉय राइड के टिकट आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो इंडियन रेलवेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर या ऑफलाइन किसी भी इंडियन रेलवेज रिजर्वेशन काउंटर्स पर। दिस इज माई टिकट, इट कॉस्ट मी 1500 bucks। दिस इज रोजलिन हु हैज गिवन मी माय टिकट फॉर दिस जॉय राइड, दिस जॉय ट्रेन। मैम प्लेटफॉर्म नंबर 2। This engine is finally attached and we are ready to go. आठ किलोमीटर का रूट है, 2 घंटे का सफर, अ राउंड ट्रिप टू घूम स्टेशन वाया बतीशिया लूप। अंदर से अलाउड नहीं है बाहर झांकना, लेकिन फिर भी मैं जाग रही हूँ। सो आई एम स्टिल पीपिंग आउट, ही इज नॉट अलाउइंग मी टू क्लिक फ्रॉम आउटसाइड, बट आई एम क्लिकिंग फॉर यू। एक छोटी सी स्टीम इंजन हमें 300 फीट से 7000 फीट की ऊंचाई पर इंडिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन घूम लेकर जा रही है। द बताशिया लूप सिर्फ एक स्टेशन नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा इको गार्डन है। ट्रेन यहाँ 10 मिनट हॉल्ट करेगी और काफी रौनक दिख रही है स्टेशन पर। तो कितना बोला इसका? 100 रुपीज। ये कलर? हाँ यही कलर, यही। चलो दे दो मेरे को। लॉस्ट माई कैप।
So I found this cab, so I think I'll go in for this. How's it? घूम प्लेटफॉर्म के ठीक ऊपर घूम म्यूजियम है. सो व्हाइल द ट्रेन हॉल्ट्स हियर, पैसेंजर्स कैन विजिट द म्यूजियम. दोज़ हू टेक द जॉय राइड आर गिवन फ्री एंट्री. दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की हिस्ट्री है इस म्यूजियम में. मजा आ रहा है. इंडियन रेलवे जॉय राइड का ये एक्सपीरियंस मेरे साथ जिंदगी भर रहेगा. Don't forget to book your ticket in advance to avoid disappointment. 50 rupees, 8 piece. Okay. I'll come back. So all joined out here. I've got some garma garam aloo tikkis. So I'm going to have that aloo tikkis. We don't get much stuff. Tired of maggies and maida. So I just thought I'd have some of this. See how it looks. Nice. तो ये मिर्ची का ये साइड बेचारा जल गया. लेकिन डला हुआ खा रही हूँ. नॉट सो टेस्टी बेचारी मिर्ची. यहाँ मैं आऊँ पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क. जू की परिभाषा भी अजीब है. एक तरफ बोलने और समझने वाले जीव प्राणी और दूसरी तरफ वो जो जुबानी भाषा तो नहीं जानते लेकिन प्यार और मोह की भाषा खूब समझते हैं. द ह्यूज हिमालयन जूलॉजिकल पार्क इज बिल्ट टू प्रिजर्व इंडेंजर्ड रेयर एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड स्प्रेड ओवर 67 एकर्स. वेस्ट बंगाल का हिमालयन भालू. अरे अरे पीछे क्यों जा रहा है? शर्मा रहा है क्या? रुक जा भाई, रुक जा रुक जा रुक जा. Oh my God, he's feeling shy. Somehow I felt that the animals should not be caged because none of them seemed happy. They were either sleeping or lazing away, but they were not active, like, you know, bright. Just imagine if they put me in a cage or they put you in a cage, how would you feel? It's the same way. So let's give it a vote that should we have the zoo system or should we not have the zoo system? Let the animals live freely. Like we have safaris, so in safaris the animals are left free. Yeah, they are caged. No, I don't agree. Do you?